हेलो एवरीबॉडी गाइस, जब दिमाग में नाम आता है ना बाइनरी ट्रेडिंग का, तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि भाई पैसा कैसे कमाएं, एक पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। तो भाई जब ऐसी दौड़ में आप जाते हो ना, जब आप भागते हो तो कहीं ना कहीं गिरते ज़रूर हो। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप कर देते हो जो आपकी नज़रों में बहुत छोटी होती है, लेकिन जिसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके विड्रॉ पे, आपके डिपॉजिट पे, आपके ट्रेड के एग्जीक्यूशन टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें आपके वेरिफिकेशन पे। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए या फिर उन्हीं गलतियों को बताने के लिए ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक एक स्टेप वाइज सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली फोकस रखने वाला हूं कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो कौन सी ऐसी तीन गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से आपके अकाउंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हो बाइनरी ऑप्शन से तो आपको विड्रॉ लेने में जब काफी बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पर वीडियो लास्ट तक देखने के बाद शायद आप ये गलती इन फ्यूचर ना करो, और अगर किसी ने गलती कर रखी है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने तो अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, या अगर मैं बाइनरी के साथ न्यू नहीं हूं पुराना हूं तो क्यों देखूं। भाई ये गलतियां ना अगर आप कर देते हो ना तो आगे चल के आपको इनका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी मत सोचना कि स्किप करेंगे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे आप मेरा लाइव अकाउंट देख पा रहे हैं, एक छोटी सी यहां पे एक ट्रेड है वो प्लेस करते हैं, और ट्रेड प्लेस करने के बाद डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के फोकस्ड पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे अभी मैंने इचिमोको क्लाउड की स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है जो कि बाय डिफॉल्ट है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5 मिनट की ट्रेड लेने वाला हूँ, और जो कि मैं लेने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लेस कर दी है मैंने ट्रेड। और यहाँ पे हमारे जो ट्रेड का टाइम है वो है 5 मिनट्स, और ऑर्डर का जो वॉल्यूम है यानी कितना पैसा मैंने लगाया है वो लगाया है $250 का, ठीक है। टारगेट रखते हैं यार 5 मिनट में वीडियो को फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो देखते हैं कि वीडियो को फिनिश करने के बाद हम ये ट्रेड है विन करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक है। तो गाइज हाँ, मेजरली जो गलती करते हैं ना लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम कई बार ऐसा होता है आप जल्दबाजी में अकाउंट क्रिएट कर देते हो, वहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन आप अनेबल नहीं करते। दूसरी जो चीज़ है, आप सिक्योरिटी में कोई एक्स्ट्रा एडिशनल ईमेल आईडी नहीं डालते हो या अपना फ़ोन नंबर नहीं डालते हो, जिसकी वजह से क्या होता है जब भी आप बाइनरी एप्लीकेशंस में रजिस्टर करते हो तो नई ईमेल आईडी से करने का ये फायदा होता है कि आपका सिक्योर रहता है चीजें, आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। लेकिन जो उल्टा नुकसान होता है वो ये रहता है कि यहां पे आप अपना ईमेल का अगर एक बार पासवर्ड भूल गए और अकाउंट बिल्कुल नया क्रिएट किया हुआ है, एडिशनल कुछ भी चीजें वहां पे सिक्योरिटी के लिए बैकअप के लिए आपने नहीं ऐड की हुई है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब आप अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हो तो वहां पे रिकवरी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है कि काफ़ी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं जल्दबाजी में अकाउंट क्रिएट कर दिया और उसके बाद मैं खुद ही भूल गया कि भाई पासवर्ड क्या था, कोई बैकअप के लिए मैंने चीज़ें नहीं डाल रखी है। तो ऐसी गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि लोग क्या करते हैं जल्दी से अकाउंट क्रिएट किया, डिपॉजिट कर दिया, पासवर्ड लगाना भूल गए, पासवर्ड कहाँ लिखना है वो भूल गए। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं अपने पासवर्ड को गूगल ड्राइव पे सेव करता हूँ, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। चलिए गाइस बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक की जो यूजुअली लोग करते हैं। सो गाइस जैसा कि आपको पता है, जब आप अपना फर्स्ट विड्रॉ लेते हो तो विड्रॉ लेते टाइम आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, जो आपने ईमेल आईडी दिया होता है उसको वेरीफाई करना होता है। कैसे, जैसे आप अपना पहला विड्रॉ प्रोसेस करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा वहां पे एक कंफर्मेशन का मेल जाता है। आपको क्या करना है, उस कंफर्मेशन के मेल पे जस्ट क्लिक करना होता है कंफर्म, तो आपका ईमेल आईडी कंफर्म हो जाता है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि आपने सपोज करो ये जो मोबाइल है, सपोज करो आपके पास कोई मोबाइल है और आप वहां से ट्रेड लेते हो और उसी से आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आती है तो आपने वो किसी और मोबाइल में लॉगिन करके वेरीफाई कर लिया, मतलब किसी आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ़ोन है, घर पे किसी का फ़ोन है, उसमें अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया और वहाँ पे आपने उसको वेरीफाई कर लिया, तो इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम आपको होगी। देखिए अभी इनिशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका जो आईपी है, ठीक है, वो रीड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये हो जाएगा कि आपने अकाउंट इससे क्रिएट किया, बनाया इस मोबाइल से या इस लैपटॉप से और वेरीफाई किसी और से कर रहे हो, तो इन फ्यूचर अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ करोगे तो वापस आपके पास एक वेरीफिकेशन जाएगा, और वेरीफिकेशन अगर आप अपने दूसरे आईपी से करोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और ये कॉजेस बन जाते हैं जहां पे आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है कई बार। और मुझे लोग कहते हैं कि सर मैंने बहुत बड़ा विड्रॉ डाला ओलिमट्रेड में, मैंने $100 का डिपॉजिट किया था, $1000 का विड्रॉ डाला और अकाउंट मेरे का ब्लॉक कर दिया ओलिमट्रेड ने।
भाई ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियां आप करते हो, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सारी गलतियां आपको इसी एक सीरीज में बताऊंगा, सारी गलतियां बताऊंगा जो यूजुअली लोग करते हैं। और बिलीव मी, अगर आप ये सारी वीडियोस देखते हो, सीरीज को फॉलो करोगे, तो आप आने वाले फ्यूचर में अगर किसी ब्रोकर के साथ जुड़ते हो तो कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाले हो। नंबर 3 यूजुअली मिस्टेक्स जो लोग करते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। तो गाइस होता क्या है, जब आप अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करते हो यानी बनाते हो, तो वहां पे आप अपने ईमेल आईडी में डाल देते हो कई बार कि cooldude09, जबकि आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम है अरविंद सिंह। कई बार मैंने भी कोई भी ईमेल आईडी किसी भी नाम से मैं क्रिएट कर देता हूं। तो भाई इसमें ना आपको शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हो एक लॉन्ग रेस के लिए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं ज्यादा इसके ऊपर विस्तार से नहीं बोलूंगा, बस आपको इतना बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी आपके समझ नहीं आएगी लॉन्ग टर्म वाली चीजें। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो यहां से, या फिर कमा सकते हो, या आपका मन रहता है कि भाई मैंने बहुत बड़ा विड्रॉ लेना है या बहुत सारी चीजें, तो ये प्रूफ करना जरूरी है कि वो ईमेल आईडी आपका है, ना कि सिर्फ इतना कि उसका पासवर्ड आपके पास है। तो यहां पे आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक काम करना है, सपोज आपका नाम अरविंद सिंह है, तो आपको जो ईमेल आईडी क्रिएट करना है वो अरविंद सिंह 1997 ऑफिशियल अकाउंट समथिंग ऑफिशियल अरविंद सिंह .com, मतलब आपका नाम उस ईमेल आईडी में होना मस्ट है। अगर आप नहीं भी रखोगे तो ऐसा नहीं ऑल लिमिटेड वाले आपको विड्रॉ नहीं देंगे, आपको देंगे, बट अगर आप मेरे नजरिए से सोचोगे तो मैं यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा हूं, तो वो चीज आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैंने आपको इस वीडियो में 3 मिस्टेक्स बताई जो यूजुअली लोग करते हैं और जिनकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को सामना प्रॉब्लम हो जाती है। और एक चीज, अगर किसी ने ये गलती पहले से कर रखी है तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैंने गलती पहले से कर रखी है तो मेरे को विड्रॉ नहीं मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। अभी अगर अभी की है तो आगे गलती फ्यूचर में मत दोहराना, और अगर अभी तक कर दी है तो घबराओ मत, कोई बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो चीज़ मत दोहराना। देखो यार, अभी हमारे लॉस हो गया है $250 का, भाई $200 का हमें लॉस हो गया है, तो भाई वीडियो को बंद मत करना, $500 की एक ट्रेड लेंगे और जल्दी से एक ट्रेड लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, जल्दी से एक ट्रेड लेंगे एंड यहाँ पे एक मिनट की ट्रेड लेंगे, ज़्यादा की नहीं, एंड प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे हम आज की इस सेशन में, ओके। क्योंकि यार लॉस में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, ओके। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है प्लेस कर दी है, हमारा जो आज का अमाउंट है इस ट्रेड के पीछे वो है $500 का। देखो गाइस, एक चीज़ हमेशा आपको बता देता हूँ, ऑलवेज ऑलवेज वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज, आप बिना स्ट्रैटेजी के मत जाया करो कभी भी। देखो यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशंस मिले जिसके बाद मैंने ये जो ट्रेड है $500 की प्लेस की, नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ बेसिस पे मैंने यहाँ पे $500 की ट्रेड लगा दी। $500 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 35,000 रुपीज़, और मैंने यहाँ पे ये इसीलिए ट्रेड लगाई है क्योंकि मुझे $250 का नुकसान हो गया था, और वीडियो के अंदर यार मैं नुकसान बियर नहीं कर सकता, क्या आपके पास क्या मैसेज आएगा अगर मैं यहाँ पर लॉस करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर बड़ी ट्रेड ली है। एक और चीज़, कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बड़ी ट्रेड लो, हमेशा छोटे छोटे मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करो, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि मार्टिकल स्टेप्स पे जाओ। दूसरी चीज, भाई भाई वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो यार, कब करोगे लाइक, लाइक कर दो, अच्छी सी कमेंट कर दो यार, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं हुए हो अभी तक तो किसका वेट कर रहे हो। लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे ही मिलती हैं। फर्स्ट टाइम हो चैनल पे और बैनरी और फॉरेक्स से पैसा कमाना चाहते हो, या चाहते हो कि आपको कोई गलती ना हो इन फ्यूचर, तो यार क्या करो, चैनल को फॉलो करो, नीचे मिल जाएगा सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, बेल आइकन का बटन भी मिल जाएगा वो भी दबा दो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ।